बाहर की दुकान है आपकी जी, तो इस बार पिछले साल से इस बार क्या स्थिति है मीठे व्यापार की आपकी? स्थिति कम है, डाउन है, डाउन है सब तो नारे पिछले साल से अगली साल कम। कितना कम रहेगा, क्या व्यापार कितना जाएगा व्यापार? मैं समझता हूँ कम से कम 30 से लेकर 40%। बाकी आप सब कम कर ही रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हो, मास्क सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, सैनिटाइजर भी रखा हुआ है और सब ग्राहकों के पैसे। लॉकडाउन के पीरियड में जो दुकानें खुली हैं थोड़ी राहत तो मिली है मीठे वालों को या नहीं? हाँ राहत खुली मिली, नहीं तो आज दुकानें बंद ही होती। अपना नाम बताइए, लोगों को सस्ता का नाम बता दीजिए। मेरा नाम पारस गुप्ता है, मैं फिलीपींस के स्थान भंडार का। ये बताइए कि और बरसों से पहले लॉकडाउन के पीरियड में जो आज दुकान खुली है आपकी, इससे कितनी राहत मिली है और कितना आपको? राहत तो ऐसी कोई नहीं मिली, क्योंकि प्रशासन का जो आदेश है वो परसों शाम 8 बजे के बाद आया था। तब तक तो हमें यही पता था कि सोमवार को दुकान खुलेगी रक्षाबंधन वाले दिन, तो हमारी उसी हिसाब से तैयारी थी एकदम से। लेकिन जब प्रशासन ने दुकानें खोल ली हैं तो हमारे पास तैयारी भी नहीं और इसलिए बिक्री के लिए सामान भी नहीं उपलब्ध। तो मतलब राहत आपको राहत नहीं मिली, बाकी मीठे वाले कह रहे हैं हमें तो राहत मिली है थोड़ी। राहत क्या, मतलब तैयारी के लिए है ही नहीं सामान, तो फिर ये मैं क्या बोल उनका। भैया अपना नाम बताओ। सूरज गुप्ता। हाँ, अपनी ईटा की दुकान है और मीठे की दुकान है। लॉकडाउन पीरियड में जो चल रहा था, आज जिलाधिकारी ने जो खोली है दुकान, मीठे के बारे में मुझे बताओगे कि आपका कितना क्या चल रहा है इस टाइम पे, उतार चढ़ाव क्या चल रहा है आपके ऊपर? इस समय मिठाई की दुकानदारी और सालों की अपेक्षा से आधी है। लोग तब की वजह से मिठाई कम ले रहे हैं, लोग आज बाहर जा नहीं रहे हैं, इस वजह से मिठाई की सेल बिल्कुल आधी। आज जो जिलाधिकारी जी ने हमारे जो निर्णय लिया वो हम लोगों के फेवर में अच्छा रहा, ताकि कल हम अगर दुकान खोलते तो भीड़ ज़्यादा बढ़ती और हम लोगों के लिए ये मिठाई नहीं बेच मिलती, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बराबर करा रहे हैं जैसे आज जी, ये आप देख ही रहे हैं सब सोशल डिस्टेंसिंग और सबके मुँह पर मास्क कैप ग्लव्स सब पहनाए हुए हैं, अपनी तरफ से ज़्यादा उसका पालन।